अरे बेटा, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? भूत का डर नहीं लगता है क्या तुमको? रात के 12 बजे विराट अपने गार्डन में बैठा हुआ था। 55 साल के विराट के सामने एक बच्चा आ बैठ गया था। बच्चा उसका जवाब देते हुए कहता, मम मुझे दोस्ती करनी है, मुझसे दोस्ती करोगे अंकल? तभी अंधेरी रात में बच्चा बस धुंधला सा नजर आ रहा था कि इतने में ही विराट हंस कर उसका जवाब देते हुए कहता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त तो नहीं बन सकता, लेकिन तुम अभी बस 5 साल के हो, पर तुम मुझे दादाजी तो कह सकते हो, है ना? तभी वो बच्चा जवाब देते हुए कहते, हाँ दादाजी। अचानक से ही विराट की नजर उसके फोन पर पड़ती है, लेकिन ये उसके फोन की रिंग नहीं थी, ये किसी और की थी। उसे याद आता है कि उसका फोन तो डिस्चार्ज हो गया था। वो बोलते हैं, अरे ये किसका फोन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करो क्या? तभी वो सोचता है कि 5 साल के बच्चे के पास तो मोबाइल हो ही नहीं सकता। इसी तरह रोज वो बच्चा विराट के गार्डन में आके बैठ जाता था। धीरे धीरे वो विराट का दोस्त बनता चला गया। एक दिन रात को जब एक आदमी ने विराट को आसमान में बातें करते देखा, तब वो चिल्लाकर बोला, हाँ ओ भाई, अकेले आसमान में बातें कर रहा है, जानता नहीं क्या इस एरिया में आना मना है? तभी विराट उसका जवाब देते हुए कहता, अरे भाई, पूरे 25 लाख में खरीदा है ये हवेली हमने, और तुम्हें पता नहीं अवनीश दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, पागल वागल हो क्या? हाँ। तभी वो आदमी कहते हुए भागता है, आ मम्मी मम्मी बचाओ, मम्मी भाग जा, नहीं तो ये भूत तुझे खा जाएगा, कच्चा चबाके, अरे भाग जा। क्या होगा विराट का? आखिर विराट ने बच्चे से दोस्ती की थी या किसी और से? जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये उम्दा स्टोरी, जिसका नाम है एक कदम भूत की और देखते रहिए हमारी इस उम्दा स्टोरी को और प्यार देते रहिए मुझे, यानी हरी कश्यप को। अरे बेटा,